हर रूट पर शराब की दुकानें ना खुली हों, इस पर जोर दिया गया। प्रयागराज में कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक हुई। कांवड़ यात्रा के दौरान सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। कांवड़ यात्रा पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जाएगी कि कहीं कोई अराजक तत्व तो नहीं है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं होती है, उपद्रव तो नहीं मचाया जाता। तो हर एक पहलू पर नजर रखी जाएगी जब कांवड़ यात्रा अलग अलग जगहों से होकर निकलेगी। बाद में आने वाले जो मांस मदिरा की दुकानें, वो सब दुकानें भी बंद रहेंगी। वो सब व्यवस्था जो जैसे पूर्व की भांति हर वो स्टेप जो एक इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक होगा उसको अमल किया जाएगा। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए। विनोद, क्या खास तैयारी है इस बार, क्या अलग रहेगा पिछली बार से? देखिए, दो चीजें बहुत क्लियर कर दी गई है। एक तो ये कहा गया है कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। जैसी व्यवस्था पहले की गई थी, पहले से जो शांतिपूर्ण कांवड़ व्यवस्था चल रही थी उसको जारी रखा जाएगा। इसी के लिए आज बैठक भी हुई और 4 जून के अधिकारी जो है प्रयागराज पहुंचे थे। पहला स्टेप ये था कि जो तमाम मांस और मदिरा यानी शराब की दुकानें जो है जिस रूट पर कांवड़ चलेगी उस रूट पर तमाम दुकानें जो होंगी वो बंद रहेंगी। इसकी जिम्मेदारी उस इलाके के थाने और उसके उसके दरोगा की होगी कि वो तय करे कि जो कांवड़ की रूट है उस रूट पे कोई भी मटन शॉप या फिर वाइन शॉप वो न खुले उस दौरान जब यात्रा जारी हो। इसका सिक्योरिटी को लेकर कहा गया है कि इस बार ड्रोन की भी इस्तेमाल किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए जाएंगे उन रास्तों पर। ये व्यवस्था पहले भी थी लेकिन ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी, इस बार पहली बार व्यवस्था की जा रही है। पहले भी जो कांवड़ यात्रा करने वाले लोग थे उनके ऊपर कांवड़ियों के ऊपर जो है पुष्प की वर्षा की जाती थी, ये व्यवस्था इस बार भी जारी रहेगी। तो चाक चौबंद इंतजाम की तैयारी यहाँ पर पूरी तरह से हो गई है। शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान।